ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना किया था। ठीक है, अभी हम लोग ये देखना है कि भाई हमने ब्लॉकिंग में क्या क्या काम किया। अभी चल, ब्लॉकिंग हमारे यहाँ पर हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं अपन। ठीक है, ब्लॉकिंग है, नीचे का बेस है, बेस के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मुझे एक बेस यहाँ पर लगा देना पड़ा। ठीक है, बेस लिया मैंने यहाँ पर आर्ट फॉर स्केल। अभी ये चीज़ देखना, जब आपका इमेज प्रोसेक्टिव होगा ना तो वहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर कैसे बैंड जैसे देख रहा है। हम लोग इसे बाद में बैंड कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला तो मुझे कैसे काम करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना मुझे यहाँ पे काम मुझे टॉप व्यू में करना है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। सेलेक्ट कर दिया W, यहाँ पे मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, कि मैं बस यहाँ पर कितना पार्ट कैसा है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक अच्छे मॉडलर की पहचान क्या है, कि वो इन चार व्यू को यूज़ करें। ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी आप काम करते हो कंट्रोल एंड स्पेस बार, ये एक्सपर्ट मोड है आपके यहाँ पर। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या क्या सपोज सेलेक्ट करके नीचे कर दिया पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे ये मैंने टच कर दिया। याद रखना, ये इससे टच होना ज़रूरी है, अगर आपका टच नहीं हुआ तो लाइटिंग में आप लोग फंस जाओगे। लाइटिंग में जब आप काम करो तो वो जर्क देना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है, अगर आप ऐसे काम करते हो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले। देखो यहाँ पर अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ दिया। ठीक है, अभी मैंने एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर लगाया अंदाजा कि चलो ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, बेसिक पार्ट पे बस यहाँ पे क्या एक रोड का पार्ट है, तो रोड के पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कोशिश करते हैं हम लोग प्लेन भी लगा दें, लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान दो जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, अभी इसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया आर फोर स्केल। मॉडलिंग में आप अलग अलग वे में कर सकते हो। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अभी मुझे यहाँ पे ये दिखाना है। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में ये चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन ये आपका फ्रंट व्यू में है, फ्रंट व्यू में ऐसा नहीं दिखेगा जैसा दिख रहा है रेफरेंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं देखो यहाँ पे अभी मैं इन बॉक्सेस को देखता हूँ, छोटे जो आपके पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, इन स्टोन्स को मुझे अगर यहाँ पे रेडी करना है तो कैसे करूँगा। 1 2 3 यहाँ पे डिफरेंसेस देखना है आपको, यहाँ पे कि आप डिफरेंसेस कैसे कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें ऐसे हैं तो हम लोग उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आपको डिटेलिंग का पार्ट आपको देना है कि मैं कैसे यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारा पार्ट भी करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट ब्लॉकिंग में यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पार्ट आपको दिखा। ठीक है, यहाँ पे गमला है, तो गमले के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मुझे पता है कि हम लोग सीवी का टूल यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जितने भी 360 ऑब्जेक्ट मिले आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी गमले में क्या है, गमले के ऊपर मिट्टी है, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। तो अभी मुझे नीचे से नहीं बनाना है, मुझे यहाँ से बनाना है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या, ये पार्ट यहाँ से, ठीक है, ये शेप को मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ, बहुत इमेज ब्लर है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा शेप्स को मैं यहाँ पे ऐसे करके जस्ट काइंड ऑफ, अभी यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले बेसिक्स में कैसे बताया कि बेसिक्स में मैंने आपको बताया कि भाई आपको सेंटर पे ही बनाना है, लेकिन जब सीन हो, सीन में बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये चीज़ को आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सीन आपने यहाँ पे कर दिया तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इस टाइप से कुछ चीज़ें देख सी रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हल्का से ज़्यादा डेप्थ तो मैंने अंदर कर दिया यहाँ पे, तो लिटिल बिट मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। थिकनेस मुझे चाहिए तो थिकनेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थिकनेस मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने W W। अब यहाँ पे पाइवेट कहाँ गया, मेरे पाइवेट यहाँ पे है ना, अभी पाइवेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, WDC एंड मीडियम माउस बटन आप यहाँ पे लो, यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी चलो हम लोग ने यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ किया, मुझे लगता है थोड़ा सा पॉइंटेड है, थोड़ा सा पॉइंटेड को मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट बेसिक सा शेप देना है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट आपको समझाना हो मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे। ऑल टच कर दिया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सरफेस में चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिवॉल्व पे गए और मैंने एडिट एंड रीसेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सिस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ये आया। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सरफेस पे गए एंड रिवर्स डायरेक्शन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेपर करना है, जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा गमला टेपर होता है, तो मैं यहाँ पे चीज़ को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, बेसिक एक शेप हमें अगर समझना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा काम कर लूँगा। ओके, ये पार्ट हो गया, गमले को मैं बाहर से टेक्सचर कर दूँगा, अंदर मैं मिट्टी का टेक्सचर डाल दूँगा, तो ये मेरे पास काम हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे, जब आपका काम हो जाए, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री,
जो आपका कर्व होते हैं, जितने कर्व है उसको आपको हमेशा थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए कि कभी बाई चांस कोई दिक्कत होगी तो आप उसे बाद में काम लेके आ सकते हो। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर भी दे दिया, चलो यहाँ पे तो चीज़ मेरे पास यहाँ पे यूटिलाइज भी जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ने छोटे छोटे पार्ट को आपको सेलेक्ट करना, छोटे छोटे पार्ट में किया, जैसे मैं अगर को पहले ऐसा कर देना ताकि मुझे यहाँ पे देखने में थोड़ा सा लगे कि यहाँ पे मैं उस चीज़ें कुछ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कुछ एक पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम चीज़ अभी ये काम मैं सिलेंडर से कर सकता हूँ, ये काम मैं अपना सीवी कर्व से कर सकता हूँ। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में सेगमेंट्स का रोल अच्छा खासा होता है। सेगमेंट्स का रोल जैसे मैं आपको बताया कि सेगमेंट्स क्यों देते हैं, ताकि आपकी लाइटिंग अच्छी आ सके, ठीक है। जितना अच्छा आपका सेगमेंट होगा उतना अच्छा आपका लाइटिंग का पार्ट भी होगा। चलो आपको एक डेमो भी देता हूँ, मैं दूसरे माय में बताता हूँ, तब तक आपको यहाँ पे मॉडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी चलो सी वी कर्व से करते हैं, तो सी वी कर्व से ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सी वी कर्व से ही करो या आपको इसमें ही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने कुछ इस टाइप से, ठीक है, कोशिश करना है यहाँ पे इन चीज़ों को, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे 3 पॉइंट आपको देना ही देना है, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये देखो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये काइंड ऑफ ये ऐसे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ओके। बीच में मुझे नीड है तो मैं सिर्फ प्रेस करके ऐसे दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और बेनिफिट जानते हो क्या होता है कि ये थोड़ा सा पार्ट मेरे पास ईजी हो जाता है यहाँ पे, इसलिए देखना ईजी प्रोसेस क्या है आपका यहाँ पे। कॉर्नर पार्ट यहाँ से, ये पार्ट, ये हमेशा कॉर्नर पे ध्यान देना कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, जहाँ लगे तो बहुत एडजस्टमेंट है, आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर दिख रहा है ऊपर से मोटा दिख रहा है, जैसे पतला दिख रहा है, तो कार्टूनिक में चीज़ें पॉसिबल है, रियलिस्टिक में पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता, लेकिन कार्टूनिक में आपको आड़े टेढ़े से दिखेंगे आपके यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसा कुछ है तो मैं ऐसा तौर से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, जितने कार्टूनिक में होता है उसमें चीज़ों को टेपर कर देते हैं, ऊपर से पतला नीचे से मोटा या अपोजिट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम चीज़ डब्ल्यू डी सी एंड मेडल लॉस बटन, ठीक है, सरफेस पे गए एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे रिवॉल्व, ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे गए और मैंने यहाँ पे रिवॉल्व डायरेक्शन कर दिया, ठीक है, तो मेरे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी छोटा सा पार्ट है, छोटे से पार्ट को बनाने की टेक्निक देखो यहाँ पे। मैं जब ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, इसमें मुझे लाइटिंग भी दिखानी है, मान लो सपोज मुझे डे मोड नाइट मोड में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा यहाँ पे। अभी ये काम मैं सी वी कर्व से कर सकता हूँ कि नहीं, एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज़ क्रिएट पे गए और सी वी कर्व टू, लेट्स ट्राई, देखते हैं कुछ आर एन डी करते हैं यहाँ पे। सेप मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे बैक स्पेस किया, मैंने ये पार्ट कुछ ऐसा कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ हार्ड एजेस का ध्यान देखना है कि, ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसा कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इसके बाद ये सेप आपका कुछ ऐसा, ठीक है, काइंड ऑफ मॉडलिंग के अंदर आपको लाइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर लाइटिंग के नॉलेज के बिना आप काम कर रहे हो तो गलत हो जाता है, ठीक है। मॉडलिंग कर, देखो मॉडलर कई होते हैं क्या, लेकिन मॉडलिंग आर्टिस्ट को अगर जब तक आगे का पता नहीं हो तब तक वो किसी काम का नहीं है। मॉडल को अगर हम लोग बनाए तो मॉडल का यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फोकस कर दिया यहाँ पे, डब्ल्यू ऑल्ट टच, ठीक है, डब्ल्यू सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डी सी एंड बटन, ओके, व्हाट आई वांट, सरफेस पे गए, सरफेस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवॉल्व कर दिया यहाँ पे, रिवॉल्व। अभी देखो यहाँ पे 360 है, सेगमेंट्स यहाँ पे एक कर दिया मुझे यहाँ पे। अभी ये इज इट पॉसिबल, ये सेक्शन है, सेक्शन कम हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये काम किया मैंने यहाँ पे। दूसरा बात, क्यूबिक है यहाँ पे, मैं लीनियर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ये इज़ इट पॉसिबल, ये ऐसा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या चीज़ों को लाइक करने का अलग अलग तरीके हैं क्या,
देखो यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये भी अपना काम हो गया। अभी क्या होता है, हम लोग को ये पता है कि 360 ऑब्जेक्टिव बनता है ना, बाकी चीज़ नहीं बनता। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अभी मैंने ऐसे से बना दिया, बनाने के बाद मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग का प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो मॉडिफाई में चलते हैं, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ये ध्यान देना। मुझे इतने सेगमेंट चाहिए, तो ठीक है एडिट में गए, रीसेट ऑप्शंस बहुत हैं। क्या क्वाड में करोगे तो क्वाड में क्या, जैसे अगर आपको इसमें, तो आता दो मिनट लेता हूँ आपको इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना काम किया, यहाँ पर मैंने क्वाड किया, तो क्वाड में देखो क्वाड में कैसा आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट, जस्ट देखने के लिए, यूज़ में नहीं है, ये क्वाड में कैसा आ रहा है, ठीक है। क्वाड में ऐसा आएगा, क्वाड के साथ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, ट्रायंगल पे जाना है तो ट्रायंगल पे कैसा आने वाला है, जर्नल पे कैसा है, काउंट पे कैसा है। जितना आप काउंट देगा उतना आपका काउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट, ठीक है, देख लो डेमो, देखने में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट कर दो आप इसको यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, कंट्रोल पैनल सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो जर्नल में यूज़ करता हूँ वो आपको बताता हूँ, जहाँ पे हम लोगों को मेन काम करना है। क्वार्ट्स मतलब आपको ट्रायंगल नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन है तो ट्रायंगल अवॉइड करते हैं, प्रोडक्शन मतलब वो ट्रायंगल उन्हें चाहिए नहीं। आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में ट्रायंगल की नीड नहीं है, ठीक है। आपको गेमिंग में जाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एंड क्वार्ट दोनों ही चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ट्रायंगल की नीड है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्या काम कर रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो मैं ट्रायंगल एंड क्वाड दोनों कोई चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्वाड यूज़ करना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, लास्ट ऑप्शन यहाँ पर स्पैन हैस ऑफ आइसोपॉम्स, ठीक है, लास्ट ऑप्शन यूज़ कर लो। बाकी चीज़ भी आप ट्राई करके देखना, आपको आइडिया मिलेगा। मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर यू में जितने नंबर है, यू एंड वी, ठीक है, आपका यू एंड वी मतलब हाइट एंड वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यू में जितने नंबर है उतने को तीन गुना कर देगा। जैसे देखो डेमो देखो यहाँ पे, तो ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट, अभी आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। सेगमेंट्स इसमें कितने, अभी मुझे चाहिए नहीं, एज इट इज ही चाहिए मुझे। जितने सेगमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वन कर दिया, वन एंड वन। अभी देखो, ठीक है, मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट, तो ये आपका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, देख रहे हैं। अभी दोनों को सेगमेंट वाइज करो, सेम आ रहा, ठीक है। अभी आप लोग फ्री हो, कैसे क्या काम करना है, मुझे एज इट इज चाहिए था तो मैंने एज इट इज ये ले लिया, ठीक है। बाकी मुझे इनकी नीड नहीं है, आपको मैंने बताने के लिए काम किया, तो चलो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि इसका मेजर यूज़ क्या है, ठीक है। दूसरा पार्ट, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, मतलब क्या है, नर्व्स है, ठीक है। मुझे अभी नर्व्स की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ क्या, ठीक है। ये आगे मेरे पास पॉलीगन आ गया, पॉलीगन में आ गया, पॉलीगन को मैं वापस इस इमेज को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, चलो दिखा देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने का मतलब क्या है कि भाई मुझे यहाँ पे जो पार्ट है, ठीक है, ये अंदर का पार्ट ग्लास का होगा, ये कॉर्नर पार्ट आपका क्या होगा, वुडन मेटल है ना, मेटल गया ना, वुड होगा तो फिर जल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को, अभी यहाँ पे मैं इज इट पॉसिबल, मैं इनको अगर मैं करता हूँ डबल क्लिक किया यहाँ पे, वन टू, ये देखना है बेवल करके देखूँ क्या आएगा कुछ काम, सेगमेंट दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काम हमारे यहाँ पर हो जाएगा, लुक वाइज भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने काम किया, अभी इतना पार्ट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये चीज़ समझना क्या, इन जो फेसेस है ना यहाँ पे, इन फेसेस को मैं अलग निकालने वाला हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये सारे पार्ट को, मैंने अभी जाओ तो इसको बॉर्डर के लिए भी छोड़ सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके, तो आपको एक बॉर्डर भी बन जाएगा, मतलब मेटल आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको मटेरियल भी इसके हाथ में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रूड करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो ये एक्सिस दिख रहा है, अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है यहाँ पे, ताकि ये मेरा बॉर्डर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैं यहाँ पे एक मटेरियल देना चाहता हूँ, लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लैम्बर्ट का जो कलर है, आप कभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो कलर वाइज देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लैम्बर्ट पे गए, जो भी मेरे पास यहाँ पे कलर में हल्का सा लाइट का कलर देना, ताकि यहाँ पे मुझे वार्म इम्पैक्ट देना हो तो मैं लाइट कैसे इम्पैक्ट दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ काम करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, सेलेक्ट में गए, इन्वर्स का ऑप्शन होता है, इन्वर्स का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। ऊपर पे गए, यहाँ पे आपको मेटल का टेक्सचर देना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, धीमे धीमे आप चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, METL मेटल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने अगर मेटल का टेक्सचर रख रखा है तो मैं उसे अप्लाई करूँगा, ठीक
ओके तो हम लोग ये काम करते हैं, इस पर मैंने एक मेटल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कलर है, कलर पे जाके यहाँ पे फाइल मिलेगा, फाइल पे जाके यहाँ पे क्लिक करना, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे आपको देखो नंबर वाले मिलेगा, ठीक है। प्रेस करना 6 दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो टेक्सचर आ तो गया, लेकिन टेक्सचर के अंदर होता क्या है, टेक्सचर का एक यूवी होता है क्या। अभी यूवी का भी तो आपको एक आइडिया देता हूँ, यूवी में क्या, यूवी में अगर स्टार्टिंग में काम करो, यूवी में गए ऑटोमेटिक कर दो काम खत्म। अभी टेक्सचर बहुत बढ़िया दिखेगा आपको यहाँ पे, टेक्सचर तो ऐसा लग रहा है स्ट्रेची टाइप से, मतलब साइज छोटा है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे जाना। अभी देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट पे दो मटेरियल अप्लाई किए हैं तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो राइट क्लिक फेस से सेलेक्ट करना, एक फेस को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तब आएगा। अगर लगे कि आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ये गोल गोल दिख रहा है आपको, स्पेयर इस पर क्लिक करना, जो आपने मटेरियल बनाया आपका मटेरियल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये इससे बड़ा यहाँ पे आप डबल क्लिक करके समझ सकते हो, इसलिए नेमिंग डाला है कि नेम डालना है कि यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे चाहिए ग्लास, तो मैंने कहा रियल ग्लास, ठीक है, ग्लास के लिए दिया, ठीक है। ग्लास का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे देना चाहूँ दे सकता हूँ। अभी टेक्निकली देखें तो भाई ग्लास है तो अंदर बल्ब ही होना चाहिए, लाइट तभी तो जलेगी, अब उसमें तो दिखाया नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मुझे एक बल्ब बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या करना है, मैंने स्पेयर लिया यहाँ पे W, ठीक है, यहाँ पे सॉरी W V से सेलेक्ट कर देना पे आज यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे क्या फोकस 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं CV का से ही बना सकता था, लेकिन मैं कहा चलो बहुत CV का भी यूज़ किया तो हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रंट में क्या फ्रंट फोकस यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं ऐसे भी काम करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा काम आपको ऐसे भी करना है, सेलेक्ट किया W यहाँ पे ऐसे घिर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। आर फॉर स्केल, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे तो ऐसे दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा, ओके काइंड ऑफ। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा सा मैंने बल्ब बना दिया यहाँ पे, बल्ब का एक होल्डर देना है, होल्डर दे सकता हूँ यहाँ पे। कुछ भी दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट, अगर ऐसे कुछ काम करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे। तो अभी इस चीज़ को आप यहाँ पे डुप्लीकेट फेसेस थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। आप इसे ऐसे कर सकते हो, सेफ्ट एंड एक्सट्रूड थिकनेस, ठीक है। आप ऐसे करके कुछ दिखा सकते हो, मैं ऐसे कुछ पार्ट पाने यहाँ पे कुछ किया यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पर, ठीक है। अब एग्जैक्ट होल्डर बेसिक सा शेप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे दोस्तों पता चले भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ करके दिखा दूँगा यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसे मैंने बेसिक शेप बना दिया 4-5, ये दिखना नहीं है, दिखना सिर्फ हम आपसे है। अभी यहाँ पे मैंने बोला ग्लास, हाइपर शेड पे गए, ग्लास पे गए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी क्या काम करेगा, देखो यहाँ पे काम कर रहे नहीं कर रहे यहाँ पे 4-5-6। अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है, दिखना चाहिए, कई बार ये धोखा भी दे देते हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। फेसेस राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। काम तो हमने यहाँ पे किया है, 6 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, अभी हमने शायद किसी और का कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ग्लास नाम दे रखा है लैम्बर्ट में, बस पहला वाला नहीं है। एक चीज़ और ध्यान है, पहले लैम्बर्ट पे कभी भी आपको कलर साइन नहीं करना, राइट क्लिक करो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, ये सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, नहीं काम कर रहा, मैंने दूसरा मटेरियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने ब्लेंड दिया यहाँ पे, ठीक है। ग्लास जब ग्लास बनाओ तो ग्लास की थिकनेस भी होती है क्या। जब मैं आपको लाइटिंग में लेके चलूँगा तो लाइटिंग में आपको चीज़ बताऊँगा। जैसे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इतने पार्ट क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट फेसेस, ध्यान रखना एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने का मोटिव क्या है, इसको सेलेक्ट कर दिया एच फॉर हाइट यहाँ पे। अभी इसके अंदर मेरे पास थिकनेस नहीं होगी ना तो इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अगर मुझे ग्लास दिखाना है तो इन सब चीज़ों को मैं पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, लिटिल बिट मुझे एक्सट्रूड करना, बहुत ज़्यादा है थिकनेस, थिकनेस होनी चाहिए। अभी क्या होता है जो नॉर्मल जो मॉडल होता है वो सिंपल बेसिक बना के छोड़ देते हैं क्या, तो वो क्या उनको पता नहीं, अभी लाइटिंग में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी यहाँ पे आपको अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रेंडरिंग में है, ठीक है, लाइटिंग शेडिंग इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, चलो देखते हैं। आर्नोल्ड में है, मैं सॉफ्टवेयर में देखें यहाँ पे, देखो आ रहे हैं यहाँ पे जैसे आपको दिखाने के लिए मैंने किया। देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, होता है कभी कभी कि आपको यहाँ पे काम करते तो नहीं दिखता, तो रेंडर करके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, कि हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे परेशान नहीं होना,
माया है, कभी कभी धोखा दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे क्या डिस्प्ले सो एंड ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ पे मेटल वाला पार्ट है सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मुझे सिर्फ मेटल मेटल ये असाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये आपको ऐसे भी देखेगा, देख रहे हैं भाई। तो चीज़ ऐसे आपको मैच करने का तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या काम करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गए, दिस इज अवर फ्रंट, धीमी धीमी चीज़ों को देखना। ठीक है, फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी पीछे आपको एक वॉल भी दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्लॉथ भी दिख रहा है, यहाँ पे अभी धीमे धीमे तोड़ तोड़ पार्ट को पकड़ते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, ब्लॉकिंग हम लोगों को कर देना है, ब्लॉकिंग के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आपका डिटेलिंग का पार्ट भी आएगा। ठीक है, पीछे एक दीवार जैसा भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दीवार है, पिलर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, आर फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये थिकनेस वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे इसके ऊपर ये मैनेज करना है, तो ये ऐसे करके मैं लेके चलूँगा। याद रखना वायर फ्रेम आपको नोटिस करना है कि वायर फ्रेम का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वायर फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपको ऐसे करके चलना है। देखो लाइन के ऊपर लाइन है तो आप सही काम कर रहे हो, नहीं तो गलती होगी। ठीक है, तो वर्टेक्स पे गए, यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पिलर जैसा दिख रहा है वो भी कर देंगे अभी, ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी इसके पीछे मुझे दिखनी है तो मैं अंदाजे यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेट मेरे पास अभी आइडिया नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ्री हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने काम किया, ऊपर तक कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अगर काम करूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ तक गया है, ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है ये पार्ट। अभी ये मुझे एक ही सीधा ही लेना है, क्योंकि ये टर्न नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक वुड का कुछ पार्ट दिख रहा है, वुडन पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है कि वुडन पार्ट आपका यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक वुडन पार्ट यहाँ पे, तो मैं एक वुडन पार्ट उधर भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के लिए मैंने, ठीक है, पतला मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी, आपको लगता है आप अलग अलग मॉडल आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, यू आर फ्री। ठीक है, मुझे लगता है मेरे पास मॉडल में उसी से मैं काम चलाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक से ही मैं काम चला लेता हूँ। ठीक है, तो एज यू विश। ठीक है, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, मेरा प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ये का मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से मुझे टच करके यहाँ पे दिखाना था, बस यहाँ पे वुड वाला पार्ट है जो मुझे आगे की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी वुड वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेफ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, एक बॉर्डर आपको यहाँ पर क्रिएट कर देना है, देखो ऐसा कुछ कर दिया, और आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपका टेक्सचर वाला पार्ट है तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो। थैंक यू, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है इसके पूछे मुझे दिख नहीं रहा, फिर मैं यहाँ पे फ्री हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने एक पार्ट यहाँ पे कर दिया दिखाने के लिए, मेरे बस पीछे पेड़ है तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर दिया, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप फ्री हो। सेलेक्ट कर दिया ऑल टच यहाँ पे 4 एंड 5, एज यू नो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, ये सेलेक्ट कर दिया और ये सेलेक्ट कर दिया, दोनों फेसेस सेलेक्ट करो, स्विफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज फेसेस काम करके तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कई बार धोखा देता है। मैक्स का ब्रिज बहुत अच्छा है कंपेरिजन टू माया, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हुआ है हर लेवल पर। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आप कभी काम नहीं करें तो फेसेस डिलीट करके एजिस पे ब्रिज कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट आपके यहाँ पे आ गया। ओके, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल स्विफ्ट एंड अच्छी, यहाँ पे मैं पार्ट दिखे यहाँ पे, यहाँ पे बस एक और पार्ट था यहाँ पे, ये मैंने आगे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों करने वाला हूँ। ओके, फ्रंट पे गए, फ्रंट एंड फोर प्रेस कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, तो मुझे अभी यहाँ पे इसके लिए टेक्सचर निकालना पड़ेगा, और टेक्सचर के लिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे वर्ड का टेक्सचर चाहिए, और इसमें हल्की हल्की सी डिटेल भी दिखती है। डिटेल देखने का मतलब यहाँ पे क्या कि मैंने कहा ऑल्ट एच यहाँ पे एजेस पे दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये लिटिल बिट मैंने यहाँ पे हल्का सा डाउन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा राउंडनेस मुझे दिखाना है जो मुझे वहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा काम कर दिया, और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो हल्का सा आर प्रेस करके ऐसे भी दिखा देता हूँ लिटिल बिट, जो आगे से पीछे का पार्ट दिखेगा। ठीक है, चलो वुड का टेक्सचर निकालते हैं। चलो मैंने वुड का टेक्सचर लिया, राइट क्लिक एंड असाइन। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, वुड में साइनिंग होती है ये पता होना चाहिए आपको, जब भी आप काम करो किसमें साइनिंग होती है किसमें साइनिंग नहीं होती, आप देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर नहीं पता तो चलो मैं आपको क्लास में बताता रहूँगा कि कैसे क्या काम होता रहेगा। ठीक है, काम स्लो, ठीक है, नॉट बैड। देखो यहाँ पे मुझे रोटेट करना था, मैं फोर्स में जाकर रोटेट कर सकता था, यहाँ पे भी रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोटेट यूवी से रोटेट को मैंने कर दिया 90, ऐसा आ जाएगा, तो ये मेरा काम कर जाएगा। ओके, ऐसा मुझे चाहिए था।
ठीक है, तो ये आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए कि आप अगर जो भी कोई काम करो वो कैसा दिखने वाला है। चलो हम लोगों ने अभी एक माया भी खोला था, माया क्यों खोला था ये भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे लाइटिंग का मैंने आपको पार्ट बताया, सिंपल सा पार्ट, पॉली प्लेन आर फॉर स्केल, ठीक है, नील कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का बेनिफिट आपको दिखा देना। पे क्या किया मैंने यहाँ पे, क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ले स्पॉटलाइट आर फॉर स्केल, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया सिर्फ देखने के लिए, आपको थोड़ा सा पता चले कि भाई मॉडलिंग का रोल क्या है, ठीक है। सेवन प्रेस करो, ये देख रहे हैं लाइटिंग के पार्ट, सेलेक्ट कर दिया डब्ल्यू कंट्रोल डी यहाँ पे हमने किया, तो ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अभी क्या है जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे मोस्ट डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं लाइट के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग में गया, यूज लाइट है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्टेड लाइट है यहाँ पे, ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लैट लाइटिंग, ठीक है, फ्लैट लाइटिंग ऐसा मिलेगा आपको, यूज नो लाइट, आपको नो लाइट मिलेगा यहाँ पे, यूज डिफॉल्ट लाइट, डिफॉल्ट लाइट मिलेगा। जब आप सेवन प्रेस करोगे ये पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे टू साइड भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जब मैं लाइट को यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो लाइट का यहाँ पे जो सेगमेंट से आप प्ले करोगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट है, इसमें यहाँ पे चीज़ों को मतलब मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको रफनेस आपको दिखता है क्या। अभी जैसे यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे एक रेंडर करके देखता हूँ, रेंडिंग में आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं। सेगमेंट्स अगर इक्वल होते हैं, जैसे प्रोडक्शन में अगर आप यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ मिलेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेगमेंट थोड़ा सा कम है, लाइट का इंटरेक्शन, लाइट का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम सेगमेंट पे बहुत प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ बेटर दिखती है। इसलिए प्रोडक्शन के अंदर आप जब भी मॉडल देखोगे, उसका वायरफ्रेम देखोगे, तो उसके अंदर आपका सेगमेंट्स का एक अच्छा इक्वल डिवीजन वाला रोल रहता है, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से काम किया, ठीक है। अब पीछे के पार्ट में देखो, पीछे के पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे वुड का पार्ट है, यहाँ पे वॉल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वॉल का टेक्सचर मुझे डालना पड़ेगा, और वॉल का टेक्सचर भी आपका अलग अलग है, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं अभी ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पे, ओके। तो अभी देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ब्लॉकिंग में किया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं कहूँ, जैसे मेरे पास वुड वाला पार्ट यहाँ पे काम आ सकता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वुड वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी कई बार ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पे टेक्सचरिंग करने के बाद आप उसे मॉडल में भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रोटेशन है 90 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। अभी यहाँ पे तो मैंने लगाया, लेकिन ये यहाँ पे सही दिखेगा, ये आपको तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये आपको तो आइडिया रहना चाहिए, आइडिया रहने का मतलब क्या, देखो मुझे यहाँ पे मेरा अगर काम करना है, मुझे यहाँ पे राउंडनेस नहीं है, यहाँ पे फ्लैट है, तो यहाँ पे एजेस की नीड नहीं है, ठीक है। तो या तो मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, तो आप इसको दोस्तों आप मैनेज कर सकते हो, आर फॉर स्केल होगा, ठीक है। अगर मैं बीच वाले इसको डिलीट कर दूँ तो काम हो जाएगा मेरे पास में, तो फ्लैट हो गया यहाँ पर, ओके। थिकनेस कितनी होगी ये आप यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, वर्टेक्स पे गए, ऐसा कुछ किया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ओके, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट डी कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, अभी यहाँ देखो ये पार्ट है, अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा भाई, अगर आगे का पार्ट है तो वो पार्ट मुझे कैसे दिखाना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गैपिंग है, गैपिंग कितना है। अभी ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे अगर मैं रखता भी हूँ तो मुझे यहाँ पे किस टाइप से काम करना पड़ेगा, विंडो का कितना पार्ट है, विंडो के पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लिप टूल, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, यहाँ से ये नीचे तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे तक मुझे दिख नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है। अभी मैं यहाँ को इसको नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पर लगे मेरे पास फ्री टाइम है तो आपको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो प्लस में इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अंदर का पार्ट दिख रहा है, इट मीन्स कि अंदर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी अंदर बनाने की बात होगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइक मुझे इंटीरियर पर अगर मैं थोड़ा सा काम करना पड़े, फ्लोर वाइज काम करना है आपके यहाँ पे। अभी विंडो को अगर आप ऑब्जर्व करो तो विंडो कैसा है, विंडो अंदर है कि बाहर है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरे पास विंडो किस टाइप से है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, बीजी यहाँ पे
यहाँ देखो अभी मेरे पास यहाँ पे परस्पेक्टिव अलग है, ठीक है, विंडो आपका सेपरेट अलग से दिख रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, चलो अलग से देखें, लेकिन होता क्या, वॉल के थिकनेस के अकॉर्डिंग आपका विंडो होता है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन वॉल के अंदर का भी पार्ट दिखेगा, तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा दिखाएँ, थोड़ा सा देखो चीज़ों को टेक्निकल भी लेके चलना है, और थोड़ा सा ऐसा ऑब्जर्व करके भी चलना है कि आपके पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। बाहर से ऐसे चिपकाने वाला विंडो है तो ऐसे भी किया जा सकता है, यहाँ पर थिकनेस कितनी दिख रही है ये भी आपको थोड़ा समझ के चलना है। क्या अभी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे काम कर दे, तो मेरे यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मैं अलग करके निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे क्या करना होगा, वॉल की थिकनेस देनी होगी, उसके बाद मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है। चलो।